दरीपार का पोस्टर है महोदय, देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए। आंदोलन के प्रति हमदर्दी दिखाने का ये लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं महोदय, बिहार की जनता जान चुकी है और शिक्षक भी जान चुके हैं। हमारे राम वृक्ष सदा जी ठीक ही बोल रहे हैं, कोई शिक्षक इनके आंदोलन के साथ नहीं। ये जितने भी भाड़ा के टट्टू हैं इनके, इन्हीं को लेकर के मुश्किल से 1000 लोगों की जमात थी जो जम के पिटाई हुई है महोदय। अगर वो लोग यहाँ आते महोदय तो हम लोग हमदर्दी दिखाने का मौका मिलता महोदय, सहानुभूति करते, लेकिन शर्म मगर इनको नहीं आती। शिक्षा में इनका क्या योगदान है? पूरे देश की शिक्षा को इन्होंने बर्बाद कर दिया महोदय। ये बताए कि जहां जहां इनकी सरकार चलती है एक भी शिक्षक की नियुक्ति इन्होंने की है? इनके जो हिंदू सम्राट तथा कथित नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने वादा किया था, गुमराह किया देश की जनता को, 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। आज उस वादे का क्या हुआ? उन वादे का क्या हुआ महोदय? उन लोगों ने खुद कहा कि वो वादा नहीं, वो जुमलेबाजी थी, वो जुमला था महोदय। शर्म इनको नहीं आती महोदय। ये आज ईडी के जरिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री पर जो इन्होंने फर्जी तरीके से, जब एक नादान थे, उस केस का चार्जशीट करवा के महोदय हमारे उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा की मांग करते हैं महोदय। महोदय मैं एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं महोदय, श्रीमान को महोदय। ये पोस्टर किसका पोस्टर है महोदय? ये तरीपार का पोस्टर है महोदय, देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। ये सीआरपीसी बोल रहा है महोदय, और इनको तो शर्म है ही नहीं, लेकिन यहां शर्म आई है महोदय इनको। ये जो कोर्ट में जा रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य, इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहना के लिए जा रहे हैं महोदय, और इन्होंने हथकड़ी को महोदय रुमाल से ढक दिया है महोदय। ये मैं पोस्टर को रख, ये मैं दिखाना, इनका चरित्र दिखाना चाह रहा था महोदय, पूरे देश देख लिया उसको। शिक्षा के ये हमदर्द नहीं है, शिक्षा के हमदर्द हम लोग हैं महोदय। हम जो ताकत है यहां, भाकपा माले की ताकत, आरजेडी की ताकत, जेडीयू की ताकत, हमें तो शिक्षा देने की पहल की है। यकीनन कुछ विसंगतियां अगर है महोदय, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वादा किया है, हम नेताओं से बातचीत हुई है उनकी, और 1000 किया, 20,000 शिक्षक कल आए थे महोदय, लेकिन शांतिपूर्ण बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने सरकार द्वारा चिन्हित धरने की जगह में उन्होंने प्रदर्शन किया। आइए, लोग नौटंकी करने आते हैं तो नौटंकी तो इनके सरदार कर रहे हैं महोदय। ये गालिब का एक शेर है, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे,
ये उजारने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए महोदय। महोदय बहुत लोग तारीफ करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी तारीफ करते हैं कि अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे, अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे। तो अटल बिहारी जी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया महोदय, अटल बिहारी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया। और आज इन्हीं लोगों ने ठेका प्रथा पर शिक्षा और शिक्षकों की बहाली की, सिर्फ शिक्षा को ही नहीं महोदय, इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। नौजवानों की बहाली में भी इन्होंने सिर्फ 4 साल का ठेका तय किया है महोदय, ये लोग क्या बात करेंगे। आज एक महत्वपूर्ण महोदय ध्यान आकर्षण आया था, डॉक्टर शकील साहब का, कर्पूरी ठाकुर की याद आती है महोदय, उन्होंने कहा था कि सूरज की रोशनी पूरी जनता को ही नहीं तमाम मखलूक को हासिल करने का अधिकार है मुफ्त में, इसलिए शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए। और आज शिक्षा की क्या हालत है महोदय, गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है, तमाम शिक्षण संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक ही कहा, हम सलाम करते हैं राम वृक्ष सदा जी को, बेचकर जाएंगे जरूर, पूरा देश को बेचकर जाएंगे महोदय, इसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती है महोदय। शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति से इस देश में जो 70% से ज्यादा जनता गरीबी रेखा के नीचे है वो महरूम हो जाएंगे महोदय, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि बिहार विधानसभा ने बहुत महत्वपूर्ण पहल, ऐतिहासिक पहल लिया है वक्त वक्त पर महोदय। जब देश संकट में आया है तो बिहार ने नेतृत्व दिया है, इसलिए आज शिक्षा के सवाल पर बिहार को रास्ता दिखाना होगा और बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा कि नई शिक्षा नीति हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे, तुम जो करते हो करो, देश से भी खदेड़ने का रास्ता बिहार विधानसभा के संघर्ष से ही शुरुआत होगी महोदय। शहर पर पूरे सब सबके प्यारे हैं, सबके महबूब है, सदन के तो महबूब है, लेकिन आज जिस मिजाज से बोल रहे, मिजाज तो इनका शायराना है लेकिन अंदाज इनका कातिलाना है। कहूंगा महोदय कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री है आज उन्हें जिल्लत का एहसास हो रहा है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पाठक का जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यह कॉन्ट्राडिक्शन पूरे दुनिया में जाहिर हो गई, यह नहीं होना चाहिए महोदय, आज तय होना चाहिए। सुपीरियरिटी किसकी है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कि ब्यूरोक्रेसी की, किसकी सुपीरियरिटी तय है महोदय, यह स्थापित हो। कैबिनेट सुपीरियर है कि ब्यूरोक्रेट सुपीरियर है महोदय, तो हम बोलने से क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगे, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय बोलेंगे, जिस तरह से हुई है महोदय ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। शिक्षा मंत्री का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और नहीं कर सकते, साथ साथ आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको भी हम नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपने ब्यूरोक्रेसी का रास्ता अपनाया है अगर, तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके कैबिनेट के मातहत में सब्जिगेशन में रहना होगा, दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, वरना वो कहते हैं ना तानाशाही दिखाने वाले को औकात उनको उनकी दिखानी ही होगी, तानाशाही दिखाने वाले को औकात उनकी दिखानी ही होगी जो दिखाए बेमतलब की लाल आंखें।
जो दिखाए बेमतलब की लाल आंखें उसको करके लाल आंखें दिखानी होगी। ये रास्ता तय होना चाहिए। माननीय महबूब साहब जी, आज जो जिस विषय पर बहस कर रहे हैं वो नगर विकास आवास विभाग है। नहीं, शिक्षा भी बहुत है, ये बर्निंग इश्यू है महोदय। वो तमाम ये बर्निंग इश्यू है महोदय, उससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगा, विकास में आते हैं महोदय, आप पुराने माननीय सदस्य हैं और बड़े ही अच्छे नगर विकास विभाग आवास विभाग आज के बहस के लिए चुना गया है और बड़े ही कामयाब और अच्छे काम करने वाले व्यक्ति के हाथ में यह विभाग दिया गया है, जो नौजवान भी है, काफी इनर्जेटिक है, अच्छे काम करने वाले हैं, सबके प्यारे हैं, इसलिए नगर विकास आवास पर कुछ आप सुझाव देंगे तो इस राज्य को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महोदय, नगर विकास पर मैं आ रहा हूं महोदय। नगर विकास में महोदय, जहां नगर है महोदय वही स्ट्रीट है महोदय। तो इस देश में और इस प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग 2014 का एक एक्ट बना है महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री भी 2005 में आने के साथ ही घोषणा किया था कि प्रदेश के तमाम फुटपाथ के दुकानदारों की सुरक्षा और संरक्षण का हम वादा करते हैं। इसके बावजूद भी जिस तरह से, जिस बेरहमी से स्ट्रीट वेंडर्स को उजाड़ा जा रहा है महोदय, उनकी धन संपत्ति को लूटा जा रहा है। ये बगल में देखिए स्ट्रीट वेंडर्स, यहाँ न्यू मार्केट है महोदय, वहां मैं बैठ के रहता हूं रात 10 बजे तक। जिस तरह से नगर के पुलिस बहस्याना हरकत करते हैं महोदय, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम संरक्षण चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री का। कभी उन्होंने भी दुग्ध मार्केट को बचाने के लिए आंदोलन में हिस्सा लिया था, बड़ी बारिश में बैठकर उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व किया था। हम लोग भी कहते हैं महोदय कि वैकल्पिक व्यवस्था किए। अब मैंने उनको साफ कहा था कि व्हाइट लाइन के पीछे बैठ के रहते हैं, ये हिंदुस्तान है महोदय। हिंदुस्तान अचानक झटके से यूरोप नहीं बनेगा महोदय, जापान नहीं बनेगा। और यूरोप नहीं बना, जापान नहीं बना, इसका जिम्मेदारी फुटपाथ के दुकानदारों पर नहीं है महोदय। इसलिए फुटपाथ के दुकानदारों को, जो फुटपाथ पर स्ट्रीट के वेंडर्स के किसी कोने में खड़ा होकर के चलायमान अवस्था में बैठकर अपना ठेला लेके हुए दुकानदारी करते हैं महोदय, उसको संरक्षण होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए महोदय। ये महोदय उजाड़ा जा रहा है गांव में और शहरों में महोदय, हजारों की संख्या में उजाड़ा जा रहा है महोदय। क्यों उजाड़ा जा रहा है? किसने आपको इजाजत दी? किसी को पूछना नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का ध्वज दिखाते हैं आप। कुछ अवांछित बातें हैं, मैं यहां कहना नहीं चाहूंगा महोदय। इसलिए सुप्रीमिटी ऑफ पॉलिटिक्स शुड मस्ट बी एस्टैब्लिश महोदय। यहां कोई पूछ नहीं है, विधायक से कोई जरूरत, हंगामा हो तो विधायक को बुलाइए, कोई राइट होगा तो विधायक को बुलाइए, कोई परेशानी होती है तो विधायक को बुलाइए। लेकिन इंप्लीमेंटेशन में जो कोई दिक्कत आती है, जनता की परेशानी है, उसमें विधायक को पूछने की कोई जरूरत नहीं करना चाहते हैं। ये महोदय बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये महागठबंधन की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है, ये दलितों की सरकार है। और इन्हीं सरकार में महोदय, इन्हीं फुटपाथ के दुकानदारों को संरक्षण देने का सवाल करने में मुझ पर महोदय एक बारसोई में और एक पटना में एक मुकदमा हो चुका है, दो दो मुकदमा हो चुका है महोदय। हम गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं हैं। वो तो गिड़गिड़ाने वाले लोग अभी है नहीं, इनकी अंधभक्ति अचानक नहीं हुई है महोदय। ये आप हम समझते हैं अंधभक्ति अचानक हुई है, नहीं। इनके जो रूमानी इंकलाब की शुरुआत करने वाले जो वीर सावरकर थे, जब बाद में इनको एहसास हुआ कि हमारा हिंदुत्व का राज स्थापित तब तक नहीं होगा जब तक हम अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों का तलवा नहीं चाटेंगे, जब तक अंग्रेजों का वजीफा नहीं खाएंगे, वहां से महोदय इन्होंने हिंदू राष्ट्र के अंधभक्ति में, इनको जब लगा कि इनकलाबियों का दबदबा बढ़ रहा है, इनकलाबियों का रुतबा बढ़ रहा है और इनकलाबी बरतानवी हुकूमत की सत्ता को छीन के अपने हाथ में ये लोग लेना चाहता है, तो इन्होंने महोदय सावरकर का नाम लिख लेने से रुक तो है नहीं महोदय। अब क्या कहा जाए, ये शिक्षा दीक्षा की बात है,
पढ़ने लिखने की बात है, पढ़ना लिखना होला करना हमें इनको, इनको तो दंगा करवाना है, फसाद करवाना है। गुजरात जैसे दंगों की लहरों पर सवार होके इसने अपना इमेज चमकाया महोदय, इसलिए उस वक्त लोग चिट्ठी लिखा करते थे अंग्रेज की महारानी को कि अगर आपके हाथ से सत्ता फिसल जाती है तो फिसल जाने से पहले आप इस देश का राजा जो नेपाल का राजा है, नेपाल के राजा को अपना सत्ता सौंप दीजिए, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राजा है और हिंदू राजा हमारा भारत का राजा होगा, हमें ये कबूल है, लेकिन ये क्रांतिकारियों का राज बने ये कबूल नहीं। ये अंधभक्ति है महोदय, ये डॉक्यूमेंटेड है महोदय, ये हिस्ट्री है महोदय, और ये हिस्ट्री सुनने की इसकी ताकत नहीं है महोदय, इसलिए भागे हुए हैं। अरे यहां मुकाबला करके भागते, अपना तथ्य पेश करते, मैं तो लगा रहा हूं इल्जाम। अरे चलिए सावरकर के वारिसी से ही औलाद कहने से दिक्कत होती है, मैं तो अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहता हूं, मुझे खुशी होती है, छाती चौड़ी हो जाती है, हमारे साथियों ने भी हमें नसीहत दिया। आपकी माननीय सदस्य, आप बहादुर हैं इसलिए बहादुर के ही नाम लेते हैं, आपका समय अब समाप्त हो गया इसलिए आप स्थान ग्रहण महोदय, थोड़ा वक्त दिया जाए महोदय। नहीं नहीं, अब महोदय बहुत हो गया, बहुत चाहते हैं महोदय कि शिक्षक के प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया अपना के, श्रीमती संगीता कुमारी माननीय सदस्य, सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है, वो धमकी वापस ले और स्टेट सरकार घोषणा करे हमारा शिक्षक सुरक्षित है।